सुशांत केस की गुत्थी अब दिशा सालियान की मौत के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। दिशा की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था। दिशा केस की जांच को लेकर के मुंबई पुलिस भी चौतरफा सवालों के घेरे में है और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुशांत केस की जांच को लेकर के अपना जवाब दाखिल कर दिया है और सीबीआई की जांच पर सवाल भी उठाए हैं। सामने आएगा सुशांत केस का सच। सुशांत की मौत का दिशा कनेक्शन। क्यों रची शातिर गर्लफ्रेंड ने साजिश? जो इंसान इतना खुश दिल और हर वक्त मस्ती करता हो, क्या वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? जो इतना ज्यादा एक्टिव रहता हो, वो जान कैसे दे सकता है? आखिर क्या वजह है कि दिशा की मौत के बाद ही अचानक रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया और इसी बीच सुशांत ने 5 दिन में 14 सिम कार्ड बदले और फिर अचानक खबर आई कि उसने सुसाइड कर लिया। सुशांत की मौत से जुड़े ऐसे ढेरों सवाल हैं जो गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस को कुछ भी गलत नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस को लेकर जवाब दाखिल किया है, लेकिन फिर से सीबीआई जांच पर सवाल उठा दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो सीबीआई को ना तो केस दर्ज करना चाहिए था और ना ही जांच टीम बनाकर आगे बढ़ना चाहिए था। उद्धव सरकार ने सील बंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है और कहा है कि बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया। उसके पास सिर्फ 0 FIR दर्ज करने का अधिकार था। उन्हें FIR दर्ज कर हमारे पास भेजनी चाहिए थी। पटना में दर्ज FIR को मुंबई पुलिस राजनीति से प्रेरित बता रही है। सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को इसकी आखिरी सुनवाई होंगी और 11 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में क्या डिसीजन आता है वो देखेंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि बिहार सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करने का अधिकार ही नहीं है। केंद्र ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश मानकर गलत किया, यानी मुंबई पुलिस अब सीबीआई के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। हलफनामे में लिखा गया है कि सुशांत के सुसाइड की खबर बांद्रा पुलिस को 2 बजे मिली थी। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सुसाइड का वक्त सुबह 11 बजे बताया गया है। फिर इतनी देर बाद पुलिस मौके पर क्यों पहुंची? क्या उसे देर में कॉल किया गया? आखिर क्यों? महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का रवैया अभी भी निगेटिव है। सवाल ये है कि आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है और क्यों? रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि रिया की याचिका आधारहीन है। उसने सिद्धार्थ पिठानी पर दबाव बनाया। पहले वो सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है, फिर अब क्यों केस ट्रांसफर करने की मांग कर रही है? उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और वो गवाहों को प्रभावित कर रही है। दूसरी तरफ सुशांत केस की जांच दिशा सालियान की मौत के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। दिशा का मौत से पहले का पार्टी में डांस करते आखिरी वीडियो सामने आया है जो सवाल खड़े करता है। जो लड़की पार्टी में इतनी खुश दिख रही हो, डांस और मस्ती कर रही हो, वो अचानक सुसाइड कैसे कर सकती है? इसके अलावा दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि दिशा की डेड बॉडी बिना कपड़ों के मिली थी। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी थे। इसके बावजूद पुलिस ने उसकी मौत को सुसाइड करार दे दिया और अब फाइल डिलीट होने की बात कह रही है। आखिर क्यों? बताया जा रहा है कि बॉडी का पोस्टमार्टम भी 24 घंटे बाद किया गया। मतलब साफ है कि बहुत कुछ ऐसा है जिसे मुंबई पुलिस छिपा रही है। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की एक्ट्रेस संजना सांघी ने फिल्म का एक वीडियो शेयर किया है और इमोशनल पोस्ट शेयर की है जिसे बहुत ज्यादा लाइक किया जा रहा है। फिल्म में दोनों की बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। शनिवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में सुशांत के पिता और बहन से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया।
फिलहाल हर किसी को उम्मीद है शातिर गैंग जल्द बेनकाब होगा और सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महाराष्ट्र पुलिस के हलफनामे और सीबीआई जांच को लेकर के 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। अब देखना यह कि सुशांत कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। और इसी बीच सीबीआई ने भी अपनी जांच अब और ज्यादा तेज कर दी है। चलिए आपको बता देते हैं कि आगे इस पूरे मामले में आखिर हो क्या क्या सकता है। देखिये, सीबीआई के पास अब ये पूरा मामला है। मुंबई जाने के पहले बिहार पुलिस से पूछताछ करेगी सीबीआई और जाहिर सी बात है जो बिहार पुलिस ने तहकीकात की है वो बताएगी। जांच के पहले सुशांत के पिता भी बयान दर्ज किया जा सकता है सीबीआई की तरफ से। बिहार पुलिस से जो दस्तावेज मिले, सबूत मिले हैं, उनकी पड़ताल लगातार जारी है। प्रिया, बिल्कुल, तो ये कुछ जानकारी है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुशांत केस में आगे क्या कुछ हो सकता है और सबूतों में डायरी और गवाहों के बयान जो पुलिस ने दर्ज किए हैं वो बेहद अहम बताए जा रहे हैं। रिया पर सुशांत को मेडिसिन का ओवरडोज दिए जाने का भी आरोप लग रहा है, ये भी एक एंगल है इसमें। सुशांत के डॉक्टर से भी जल्द पूछताछ कर सकती है सीबीआई, चूंकि जहां से इन्हें दवाई दी जा रही थी सुशांत के अकाउंट से सीए को ट्रांसफर किए गए थे जितने पैसे 2.63 करोड़ रुपए, उसको लेकर के जानकारी इकट्ठा की जाएगी। सुशांत की फैमिली को अब उनके लेनदेन के पीछे रिया चक्रवर्ती पर भी शक है। फैमिली लगातार ये सवाल खड़े करती रही है। रिया और उसके साथियों पर ईडी ने अब शिकंजा भी कस चुकी है, पूछताछ भी लगातार जारी है। रिया से भी 8 घंटे तक की पूछताछ हुई थी, शोभित चक्रवर्ती से भी लंबी पूछताछ हुई है। तो देखिए, कुल मिलाकर के अब ये पूरा मामला जब सीबीआई के हाथ में है तो जांच पड़ताल एक नए सिरे से शुरू हो रही है। श्वेता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे जान लेते हैं। श्वेता, आज इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ हैपनिंग हो सकती है या फिर हमें सोमवार का इंतजार करना होगा कि कुछ नई अपडेट मिले? मुख्य रूप से पूछताछ होनी है ईडी के द्वारा, वो मंडे को है कि मंडे को उनको बुलाया गया है। और जहां तक इस केस की बारीकियों की हम बात कर रहे हैं कि जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में मुंबई पुलिस ने दायर की है उसमें एक चीज ध्यान देने वाली है प्रिया। इसमें मुख्य रूप से उन चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं या वो चीजें सामने आई हैं जो कि मुख्य रूप से बिहार पुलिस के ऊपर, सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर, खासकर उनके पिता, उनके वकील का जो जिक्र किया गया है, या इसके अलावा जो कुछ सर्कमस्टेंसेस उनके विपरीत रहे, यानी कि मुंबई पुलिस के विपरीत रहे, जो उन पर सवाल खड़े करती हुई चीजें हैं उनको लेकर इसमें चर्चा है। लेकिन इसको लेकर कि मुंबई पुलिस ने इस केस को लेकर के क्या कुछ अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है कि उन्होंने अब तक जांच क्या की है, यह पूरी तरह से अभी सामने नहीं आया है, यह पूरी तरह से अभी साफ नहीं है, इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीति से प्रेरित होकर बिहार पुलिस ने इस केस को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर आने की कोशिश की, उस केस को जांच करने के लिए खुद अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जबकि उनके हाथ में बस इतना था कि वो। श्रद्धा, देखिए, ये चीजें कही जा रही है लेकिन शालिनी ये भी स्पष्ट है कि जिस तरीके से अब चाहे दिशा सालियान की मौत की कड़ी जोड़ी जाए सुशांत सिंह राजपूत से, रिया की जो सफाई पेश की गई है, जितने पैसे का हेरफेर हुआ है, ये दर्शाता है कि अंदर खेमे कुछ ना कुछ तो चल रहा था जिसकी जानकारी हम सभी को नहीं है। श्रद्धा बने रही आप हमारे साथ, चूंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है वो भी आपको बताते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की ये मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक से 18 घंटे तक पूछताछ ईडी की ये चली है। शोविक चक्रवर्ती के साथ 18 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की है, ये लंबी पूछताछ देखिए कल चली है। 15 करोड़ के लेन देन के मामले में पूछताछ हुई है। इसके पहले रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हुई थी, आपको याद ही होगा। 18 घंटे तक ये लंबी पूछताछ शोविक चक्रवर्ती के साथ हुई है। श्वेता लगातार बनी हुई है हमारे साथ, तो श्वेता का भी रुख कर लेते हैं। श्वेता, देखिए, एक बात और कही जा रही है कि आप शोविक चक्रवर्ती से बात कर लीजिए, आप रिया चक्रवर्ती से बात कर लीजिए, उनकी फैमिली से बात कर लीजिए, लेकिन आप चूंकि सुशांत सिंह राजपूत है नहीं दुनिया में, तो यह साबित करना भी बड़ा मुश्किल होगा कि रुपयों का जो लेन देन हुआ है वो क्या सुशांत की मर्जी से हुआ है या फिर बिना उनकी मर्जी से हुआ है, क्योंकि अब यह बात साबित करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, यह भी जानकार बता रहे हैं। बिल्कुल, मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे कहा जाता है कि साक्ष्य भी कमजोर पड़ते हैं और जो तमाम लोग होते हैं उनका जो माइंड वॉश होता है वो भी धीरे धीरे उनके वकील या वो खुद ही अपने आप को इतना ज्यादा मांझ लेते हैं उन सब चीजों से कि आगे उनको अब क्या बयान देना है। हालांकि क्रॉस चेक भी होता है कि अलग अलग कमरों में बिठा करके ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है, चाहे हम सिद्धार्थ पिठानी की बात करें, श्रुति मोदी की बात करें, या रिया चक्रवर्ती, उनके भाई, उनके पिता,
गया, तमाम दूसरे लोग जिनके ऊपर की शिकंजा कसा गया है, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, अलग अलग इनसे कमरों में बिठाकर पूछताछ हो रही है। उसके बाद अब एक साथ भी उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कौन कितना सच बोल रहा है और सबके बयान आपस में मिलाए जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि इस केस में कौन सच बोल रहा है। कुल मिला के कल का भी इंतजार हमें करना होगा, सोमवार का दिन और ये सुबह क्या इस खबर में अपडेट लेकर के आती है, किस तरीके की तस्वीर सामने होती है। और सबसे बड़ी चीज तो शालिनी यहाँ पे यही है कि 15 करोड़ रुपए जो सुशांत के परिवार की तरफ से रिया पे आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके हेर फेर को लेकर के सीए से जब पूरी डिटेल्स ली जाएगी तो क्या जानकारी निकल करके सामने आती है।